नमस्ते एवरीवन, मैं हूँ अनु टिकरिया। आज मैं अपने वीडियो पर ये बताने जा रही हूँ कि डायबिटीज़ से रिलेटेड हम कौन कौन से आसन कर सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि लोअर बैक से रिलेटेड कौन कौन से आसन कर सकते हैं, तो आज हम डायबिटीज़ के लिए कौन कौन से आसन कर सकते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले आप अपने मैट पर पीठ के बल लेट जाएंगे इस प्रकार से। अब हम करने जा रहे हैं शवोद्रकर्षण और उद्रकर्षण। तो आप अपने हाथों को इस प्रकार से फैला लेंगे, आपकी जो हथेलियाँ होगी जमीन की तरफ। अब अपने दोनों पैरों को इस प्रकार से मोड़ेंगे, आपके जो दोनों पैर हैं आपस में जुड़े हुए होंगे। अब सांस लेंगे गहरी सांस। अब सांस छोड़ते हुए अपने लेग को लेफ्ट साइड ट्विस्ट करेंगे और अपने हेड को राइट साइड ट्विस्ट करेंगे। इस पोजीशन पर 5 से 10 सांसों तक बने रहेंगे, फिर सांस लेते हुए वापस। फिर इसी प्रकार से आप दूसरी तरफ करेंगे, सांस लेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। ध्यान रखेंगे आपके जो घुटने हैं घुटनों के ऊपर रहेगा और आपके जो एड़ियां हैं दूसरी एड़ी के ऊपर। फिर सांस लेते हुए वापस। अब हम करेंगे शवोद्रकर्षण। अब अपने एक पैर को स्ट्रेट कर लेंगे और दूसरे पैर को अपने घुटने के ऊपर रखेंगे इस प्रकार से। फिर सांस लेंगे गहरी सांस, फिर सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट करेंगे और अपने हेड को दूसरी तरफ ट्विस्ट करेंगे। पर ध्यान रखेंगे आपका जो दाहिना शोल्डर है वो उठने ना पाए, वो जमीन से टच में ही रहेगा। यहाँ पर आप 5 से 10 सांसों तक बने रहेंगे, फिर धीरे धीरे वापस। फिर इसी प्रकार से दूसरी तरफ करेंगे। अब हम करेंगे वक्रासन। तो आप देखेंगे वक्रासन किस प्रकार से करेंगे। इस प्रकार से पहले आप दंडासन में बैठ जाएंगे। सबसे पहले अपने राइट पैर को इस प्रकार से मोड़ेंगे। अब अपने लेफ्ट हैंड को राइट लेग से कवर करते हुए इस प्रकार से राइट साइड ट्विस्ट करेंगे। अगर पॉसिबल हो पाया तो अपने हाथों को जमीन पर रखेंगे या इस प्रकार से अपने लेग को पकड़ कर रखेंगे। फिर आपका जो दूसरा हैंड है आपके बैक के पीछे रहेगा और पीछे की तरफ देखेंगे। तो आप देखेंगे फिर से कैसे करना है इस प्रकार से। ये है आपका फाइनल पोस्चर। अब इसी प्रकार से दूसरी तरफ करेंगे। तो दूसरी तरफ के लिए मैं आपको दूसरे साइड से दिखाना चाहूंगी कि ये किस प्रकार से किया जाता है। आप देखेंगे अपने लेग को इस प्रकार से मोड़ लेंगे। अब लेफ्ट साइड करेंगे तो अपने राइट हैंड से इस प्रकार से कवर करेंगे आपका जो लेफ्ट हैंड है इस प्रकार से पीछे पर। पर ध्यान रखेंगे आप अपने हैंड पर ज़्यादा लोड नहीं लेंगे, आपका जो बैक है स्ट्रेट रहेगा। फाइनल पोजीशन पर आंखें बंद कर लेंगे। इस प्रकार से 5 से 10 सांसों तक बने रहेंगे, फिर धीरे से वापस। अब मैं बताने जा रही हूँ अर्धमत्स्येन्द्रासना। तो सबसे पहले अपने लेफ्ट लेग को अपने राइट लेग के नीचे से लेके जाएंगे इस प्रकार से। अब अपने राइट लेग को लेफ्ट लेग के बगल में इस प्रकार से रखेंगे, फिर ट्विस्ट करते हुए आप राइट साइड जाएंगे इस प्रकार से। राइट साइड ट्विस्ट करेंगे और इस प्रकार से अपने पैर को पकड़ेंगे। फिर अपने जो दूसरे हैंड है उसको इस प्रकार से रखेंगे। इस पोजीशन पर 5 से 10 सांसों तक बने रहेंगे। जिनसे यह पॉसिबल नहीं हो पाएगा वो इस प्रकार से अपने हाथों को रख के करेंगे।
अब हम देखेंगे सामने से यह आसन किस प्रकार से किया जाता है। तो आप अपने लेफ्ट लेग को राइट लेग के नीचे और राइट लेग को अपने लेफ्ट नी के साइड में। अब आप लंबी गहरी सांस लेंगे। अब सांस छोड़ते हुए आपको ट्विस्ट करना है और अपने लेग को इस प्रकार से पकड़ना है और हाथों को इस प्रकार से मोड़ते हुए रखना है और अपनी जो दृष्टिकोण है पीछे की तरफ इस पोजीशन पर 5 से 10 सांसों तक बने रहेंगे। अगर आपसे यह इस प्रकार से नहीं पकड़ा जाएगा तो आप इस प्रकार से होल्ड करके रख सकते हैं। तो ये था डायबिटीज पेशेंट के लिए आसनास। यह आपके पेट की चर्बी को घटाने के लिए भी अत्यंत लाभकारी होता है, पर ध्यान रखेंगे यह आसन किसको नहीं करना है। जिनको पेट में अल्सर की प्रॉब्लम है, जिनको सर्जरी हुए कुछ ही दिन हुए हैं, वे यह आसनास नहीं करेंगे। आज के एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए अभ्यास के साथ। यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।